आप में से बहुत सारे लोग के दिमाग में एक क्वेश्चन चल रहा होगा, आइकॉनिक और किलर कौन सी टीम ज्वाइन करने वाले हैं और इनकी न्यू टीम का क्या नाम है। तो मैं आज की वीडियो में आप लोग के यही क्वेश्चन का आंसर दूंगा, और मैं ऐसे हाँ में आंसर नहीं दूंगा, मैं आपको पूरा प्रूफ के साथ बताऊंगा कि आइकॉनिक और किलर कौन सी टीम ज्वाइन करने वाले हैं और उनकी न्यू टीम का क्या नाम है। तो आप लोग आज की वीडियो पूरी लास्ट तक देखना। अब वीडियो स्टार्ट करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। आइकॉनिक और किलर की न्यू टीम बताने से पहले आप लोग किलर की एक क्लिप देखो, जिसमें किलर अपनी न्यू टीम के बारे में बताते हैं और वो OG Elite के बूट कैंप के बारे में ही कुछ बताते हैं। तो पहले आप लोग किलर की क्लिप देखो। कौन सी टीम में जा रहे हो? वो खुद की टीम है ब्रो, टीम आइकॉनिक का कुछ रिवील करो। आपके स्पेक्स का नंबर क्या है? 0.5 0.5, यानी पूरा एक। बूट कैंप कब जाओगे यार? अब बूट कैंप 84 दिन बाद जा पाऊंगा, मैंने कल ही वैक्सीन लगवाई है। मतलब चला तो मैं वैसे भी जाऊंगा बिना वो करे, बिना वैक्सीन के, बट यार मैं उधर क्या फ़ायदा है, कुछ कर नहीं पाऊंगा मेरे वो सोचा। छोड़ो जो भी, मेरे यहाँ पर आएगा तो शायद रोगे। यस यस या ब्रो। अब आप लोग ने किलर की क्लिप देख ली होगी और आप लोग ने क्लिप में कुछ चीज नोटिस की। पहली चीज तो ये, आइकॉनिक और किलर एक ही टीम से टूर्नामेंट खेलेंगे। दूसरी चीज ये, आइकॉनिक और किलर ने खुद की टीम बनाई है, उन्होंने किसी और की टीम ज्वाइन नहीं की है। तीसरी चीज ये, आइकॉनिक और किलर अभी भी OG Elite की ऑर्ग में है, क्योंकि किलर ने क्लिप में साफ साफ बोला है उन्होंने अभी वैक्सीन लगाई है, इसलिए वो OG Elite के बूट कैंप में नहीं जा रहे। अब इसका तो ये मतलब है किलर और आइकॉनिक ने अब तक OG Elite की ऑर्ग नहीं छोड़ी है। अगर किलर और आइकॉनिक ने OG Elite की ऑर्ग छोड़ दी होती तो किलर साफ साफ हमने OG Elite की ऑर्ग छोड़ दी है, बट किलर ने ऐसा नहीं बोला। अब इसका तो यही मतलब है किलर और आइकॉनिक ने OG Elite की ऑर्ग नहीं छोड़ी है। और दूसरी चीज ये, मेरे ख्याल से ऑरंगुटान का कॉन्ट्रैक्ट अब तक खत्म नहीं हुआ होगा। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा OG Elite की ऑर्ग में न्यू प्लेयर भी आएंगे और कोई प्लेयर जाएगा भी। अब जाने वाले प्लेयर का क्या नाम होगा वो हमको बाद में खुद पता चल जाएगा। अब मैं आप लोग को आइकॉनिक और किलर की न्यू टीम का नाम बताता हूँ और वो कौन सी टीम से टूर्नामेंट खेलेंगे वही बताता हूँ। तो आप लोग ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना। आप में से बहुत सारे लोग को पता होगा ऑरंगुटान और एक टूर्नामेंट कराने वाली है और यह टूर्नामेंट का प्राइस पूल है 12,50,000। और आप लोग बैकग्राउंड में टीमों का नाम देख सकते हो जो ये टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करेगी। अब यार टूर्नामेंट में एक बात सोचने वाली है, आइकॉनिक और किलर ने OG Elite की ऑर्ग लीव नहीं की है तो यार टूर्नामेंट तो पक्का खेलेंगे। अब कौन सी टीम से खेलेंगे वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। आप लोग बैकग्राउंड में टीमों का नाम देखो जो ये टूर्नामेंट में खेलने वाली है, आप लोग को यहाँ पर टीम आइकॉनिक का नाम भी मिलेगा। अब आप लोग मेरे को एक बात बताओ, टीम आइकॉनिक को किस बेस पे यार टूर्नामेंट में स्लॉट मिला है? ना टीम आइकॉनिक टूर्नामेंट में उतना अच्छा परफॉर्म कर रही है, ना वो टूर्नामेंट जीत रही है, तब भी उनको यार टूर्नामेंट में स्लॉट मिला है। अगर टीम आइकॉनिक को स्लॉट मिला है तो टीम डिलीट को ही मिलना चाहिए, ब्लिसमेट को ही मिलना चाहिए, और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी टीम है जिनको टूर्नामेंट में स्लॉट मिलना चाहिए, बट यहाँ पर टीम आइकॉनिक को ही क्यों मिला? अब इसका तो यही मतलब है आइकॉनिक और किलर यार टूर्नामेंट में टीम आइकॉनिक के नाम से खेलेंगे तभी उनको यार टूर्नामेंट में स्लॉट मिला है, वरना उनको स्लॉट नहीं मिलता। अब अगर आप लोग को मेरी बात का विश्वास नहीं हो रहा है तो आप लोग बैकग्राउंड में यार पोस्टर के नीचे देखो, OG Nikhil ने कमेंट किया है। अगर आप लोग को नहीं पता OG Nikhil कौन है तो मैं आप लोग को बता देता हूँ, OG Nikhil OG Elite के मैनेजर है। तो उन्होंने यहाँ पर कमेंट किया है, सरप्राइज प्लान ही टीम आइकॉनिक। अब टीम आइकॉनिक में क्या ही सरप्राइज प्लान होगा? यही सरप्राइज प्लान होगा कि आइकॉनिक और किलर टीम आइकॉनिक की टीम से खेलेंगे, खत्म। अब मैंने आप लोग को प्रूफ के साथ बता दिया है कि यार टूर्नामेंट में आइकॉनिक और किलर टीम आइकॉनिक के नाम से खेलेंगे, क्या पता फ्यूचर में भी आइकॉनिक और किलर टीम आइकॉनिक के नाम से ही खेले, तो कुछ भी हो सकता है। अब मैं आप लोग को किलर के कुछ क्लस दिखाता हूँ, क्योंकि आप लोग ने किलर के बहुत टाइम से क्लस नहीं देखे होंगे, तो अब आप लोग देखो। अब आप लोगों ने किलर के कुछ क्लस देख लिए होंगे, अब आप लोग कमेंट करके पक्का बताना आपको वीडियो कैसे लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो 1K लाइक कर लेना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।